हाय गाइस, किधर अपना बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा है? बॉडीगार्ड तो पीछे है। ये पीटर भाई अपना बॉडीगार्ड है, खली बली। और ये तो हमारे साथ में बहुत सारे ब्लॉग में आप लोगों ने देख चुका होगा। और एक नया चेहरा है अरुण, और ये अपने मुश्ताक भाई, हेलो। और ये हम आपके माने जाने चहेते यूट्यूबर आमिर भाई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? नॉर्थ गोवा स्नो पार्क। नॉर्थ गोवा में कहाँ जाएंगे? स्नो पार्क। स्नो पार्क में क्या करने वाले हम लोग? स्नो पार्क किधर है भाई? एंजॉय करेंगे उधर। अभी हम लोग है वेरना। हाँ, यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है और हम लोग वेरना पहुँच चुके हैं। कोलवा से निकले थे और कलंगुट और कलंगुट और अंजुना के बीच में है शायद स्नो पार्क। बागा में तो चलिए देखते हैं। भाई हमारा बोला है बागा में, सब अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। फिलहाल लोकेशन ट्रेक करके हम लोग पहुँचने वाले वहाँ पे। बाकी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज। ये है स्टेट, जाएंगे पंजी और लेफ्ट मुड़ेंगे तो वास्को है। और हम लोग को स्टेट जाना है क्योंकि कलंगुट पंजी से आगे है। तो चलिए देखते हैं आगे का रास्ता। कंटिन्यू रहिए इस ब्लॉग में, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग चुका है। जब हम लोग काम को जाते हैं तब ट्रैफिक नहीं रहता, जब हम लोग कहीं घूमने को जाते हैं तो पूरी दुनिया का ट्रैफिक उसी रास्ते पर लग जाता है। अभी देख रहे हो गाइस, बहुत सारा ट्रैफिक है। आधे घंटे से हम लोग रुके हुए हैं, बोर हो रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा लगता है जिधर जाते हैं पूरी दुनिया का ट्रैफिक वहीं से आ जाता है। हम तो बहुत बोर हो गए यार। अमीर भाई बोलोगे क्या? बोलेंगे बहुत बोर हो गए यार। मुश्ताक भाई हाँ क्या बोले यार, इतनी सारी ट्रैफिक लगा हुआ है। इसलिए नॉर्थ गोवा में ट्रैफिक ज़्यादा है, इधर काम चल रहा है इसलिए बहुत। नॉर्थ गोवा में बहुत ही ट्रैफिक है इधर। मड़गांव से पणजी तक पूरा काम चालू है ब्रिज का, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और हम लोग साउथ गोवा में रहते हैं जहाँ बहुत शांति है। और नॉर्थ गोवा में बहुत ही चहल पहल है, यहाँ पे टूरिज्म का भी बहुत ये है, उसके लिए बहुत भीड़ रहता है। फोन नहीं रे, वो लड़का जो था एक गरीब था एक्चुअली। वो और एक एम्बुलेंस वाला को पूछा 50 dozen कुछ पूछा तो लोग का पास आया। ये क्या बोला 15,000 दे बस बोल के बोला। बाद में वो भी नहीं लिया लास्ट में, इतना फेमस हुआ पूरा लोग पहचानता है ना उसको। हाँ उसको बहुत लोग पहचान रहा है। ट्रैफिक 11 बजे स्नो पार्क ओपन होता है और हम लोग का 11 लगता है यहीं पे बच जाएगा। 48 किलोमीटर जाना था जिसमें से अभी हम लोग 10 किलोमीटर आगे आए हैं, अभी बाकी का 38 बचा हुआ है। सब लोग बोर हो रहे हैं। देखो बच्चा कार से बाहर आ गया, बहुत ज़्यादा ही बोर हो गया लगता है। मुझे लगा था सिर्फ हम ही लोग बोर हो रहे हैं। ये देखिए गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा है, नीचे से अगर दिखा दे तो भी बहुत अच्छा लगता है। ये ब्रिज के बीच में, दो ब्रिज है ना उसके बीच में है। और ये साइड में पूरा पणजी सिटी है और बस स्टैंड भी इधर ही नीचे। और ये ब्रिज देख सकते हैं आप लोग, लंदन के स्टाइल में यहाँ पे ब्रिज बना है। अपना इंडिया भी तरक्की कर रहा है। अभी गोवा को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान है, बहुत सारा काम चालू है गोवा में। ये मांडवी रिवर है गाइस, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे। ये जो जूम कर रहा हूँ मैं, ये डेल्टन रॉयल है, डेल्टन रॉयल कैसीनो और कैसीनो प्राइड है और बिग डैडी कैसीनो, रॉयल कैसीनो, बहुत सारा कैसीनो। और अब यहाँ पर ब्रिज दिखा रहे हैं लंदन के स्टाइल में है, जो आप लोग साहो मूवी में भी ब्रिज देख सकते हो। और रात को फुल कलरफुल, और रात को ये
कलरफुल हो जाता है, जैसा मुश्ताक भाई बता रहे हैं, मेरे को ज्यादा नॉलेज है नहीं का। पूरी कलर पूरा लाइट मारता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार मैं डाला था न्यू ईयर के टाइम पे, शायद इधर का पिक डाला था, बहुत ही प्यारा था, लाइट भी आ रहा था कलर। इधर टू व्हीलर अलाउ नहीं है गाइस, ये ब्रिज पे टू व्हीलर अलाउ नहीं है। और वहाँ पर दाने दाने में केसर कदम वहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, मांडवी रिवर है। और इधर पूरा पंजी सिटी इधर ही है हमारे, तो यहाँ पर फ्लैग दिखते रहते हैं। ये मुंबई हाई कोर्ट है, गोवा में क्यों बना है मेरे को मालूम नहीं। और ये इधर में गोवा का राजधानी है, विधानसभा है, ये देख सकते हैं आप लोग। वहाँ पर फ्लैग नहीं लगा है, ये थोड़ा मायूसी वाली बात है, फ्लैग यहाँ पर भी लगा रहना चाहिए था। और ये शायद मुंबई हाई कोर्ट अभी न्यू बना है, यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है, खत्म हो जाएगा। ये देखिए मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट सॉरी, वहाँ पर लिखा हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट है, लेकिन गोवा में क्यों बना है मेरे को मालूम नहीं। लगता है उधर जगह कम पड़ गया था बॉम्बे में, इसके लिए गोवा में इसको शिफ्ट कर दिए हैं। अच्छा हाँ, आगे चल के डालेंगे, बहुत ट्रैफिक के चक्कर में हम लोग बहुत सारा पेट्रोल पम्प मिस कर दिए हैं। अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो बाद में लफड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को मॉल दे गोवा दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर है गोवा का सबसे बड़ा मॉल है। इसमें आइनॉक्स भी, थिएटर भी है, बिग जी भी है, सब कुछ है। अभी आप हंड्रेड हाउस भी है यहाँ पर। मैं एक ही बार आया हूँ क्योंकि मेरे को कार्ड मिला था फ्री में शॉपिंग करने का, जिधर मैं काम करता हूँ कंपनी से, तो आया था फ्री का शॉपिंग करने के लिए। और 8000 का कार्ड था, 8000 तक शॉपिंग कर सकते थे, 8000 का किया। ये है मालदीव गोवा, गोवा का सबसे बड़ा मॉल है। वैसे गोवा में ज़्यादा बड़े बड़े मॉल नहीं हैं, लेकिन जो भी है गोवा अपना बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग फाइनली एक पेट्रोल पंप पर रुके हैं पेट्रोल डालने के लिए। यहाँ पे भी ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन क्या करें, नहीं डालेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ इधर है पार्किंग है, वाह तो बहुत अच्छी बात है। ये स्नो पार्क हम लोग आ चुके हैं और गाड़ी यहाँ पर पार्क करेंगे, खाली है पार्किंग। फाइनली गाइस हम लोग टिकट काउंटर पे आ चुके हैं और सबका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब हम टिकट ले रहे हैं। एक आदमी का टिकट 500 रुपये का है और हम 5 लोग हैं। टिकट काउंटर के पास बहुत ज़ोर शोर से गाना बज रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो का आवाज़ बंद कर दिया है और अलग से बोल रहा हूँ। और ये रहे हमारे टिकट्स और अब हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। अंदर बहुत मज़ा आने वाला है, इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अभी अंदर का आपको सीन दिखाते हैं, अंदर क्या है कैसे है। फर्स्ट टाइम है मेरा स्नो पार्क में, फर्स्ट एक्सपीरियंस। स्नो पार्क के अंदर घुसते एक ब्यूटीफुल लेडी नज़र आई हम लोगों को, क्योंकि शायद हम लोग उसे कुछ कहना चाह रही हैं, इसलिए रोक के रखा है हम लोगों को। और उनके हाथ में एक बैग है जो बता रही हैं आप इसमें अपने शूज़ या और कुछ भी सामान डाल सकते हैं। उसके साथ एक टोकन दिया उन्होंने, जो टोकन दिखाने पे वापस हम लोगों को हमारा बैग मिल जाएगा, जिससे हम अपना सामान वापस ले सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग अपने शूज़ बैग में रख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए। स्नो पार्क की तरफ से हमें एक येलो कलर का शूज़ दिया जाता है गाइस, जो पहन के अंदर जाना है, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ पर हमारे दोस्त लोग भी ले रहे हैं शूज़ के साथ, सॉक्स भी है, बिल्कुल फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये है हमारे अमीन मिर्ज़ा, अभी स्नो पार्क में जा रहे हैं, जिसे अभी वो शूज़ वगैरह डाल के पहले ही रेडी हो रहे हैं। अभी भी अमीर मिर्ज़ा जो है अभी स्नो पार्क में चश्मा भी लगा लेंगे, स्नो पार्क में मज़े लेंगे स्नो पार्क के। तो हम लोग फटाफट से शूज़ पहन रहे हैं, और शूज़ पहनने के बाद जैकेट, ग्लव्स और कैप भी मिलने वाला है। उसके बाद पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे हम लोग अंदर जाने के लिए। तो चलिए दूसरे काउंटर से जैकेट भी ले लेते हैं और पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं अंदर जाने के लिए। अंदर बहुत ही ठंड है गाइस, इसलिए सब सेफ्टी के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर काउंटर पर टिकट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद जैकेट मिलेगा। मैंने अपना टिकट दे दिया है और मुझे फाइनली जैकेट भी मिल गया है। ये रहा गाइस जैकेट, कुछ इस तरीके से है। अरे हमारे दोस्तों को भी जैकेट मिल रहा है। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये रहा हमारा फाइनल लुक, और अब हम अंदर जाने वाले हैं। फाइनली गाइस हम लोग अंदर एंट्री मारने वाले हैं। देवियों और सजनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है।
वाओ, अंदर बहुत ही कूल है गाइस। ऐसा लग रहा है हम लोग कश्मीर में आ चुके हैं। पार्टी भी फुल मोड में चल रहा है। ओके गाइस, बक बक बहुत हो गया, अब हम भी स्नो पार्क के मज़े लेने जा रहे हैं।
पार्किंग है लोग को तो बीच यहाँ आता है। गाड़ी मस्त लग रहा है भाई, गाड़ी में गर्म से मैं चप्पल निकालना मांगता था। मैं भी शूज निकाला अभी, गाड़ी धूप में थी ना इसके लिए गर्म है अभी, थोड़ा अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा आराम हो रहा है, बहुत रिलैक्स फील लग रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी निकाले ये गाड़ी धूप में, पहली बार धूप अच्छी लगी बाबा, पहली बार धूप अच्छी लगी, पहली बार अच्छी लगी। अगर ऐसा किधर से आते तो बहुत गर्मी लगने वाला था, अभी अंदर थे ना। एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, गोवा में बहुत मजा आया। मेरे हिसाब से आप भी आना चाहिए, और आप भी इधर का टिकट स्नो पार्क का मजा उठाना चाहिए। टिकट कितना लगा स्नो पार्क? टू टिकट, वन टिकट 500 रुपीज, 500 पर टू आवर, टू आवर 500 कुछ ज़्यादा नहीं है गाइस। अगर आप लोगों को एंजॉय करना है तो 500 में आपको दो घंटे, और दो घंटे से ज़्यादा भी कोई मना नहीं करता, आप जितना पूरा दिन भी इंजॉय कर सकते हैं, उसका कोई टाइमिंग नहीं है मेरे ख्याल से। और हम लोगों को तो बहुत ही मजा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। पिछली मरतबा मैंने बोला था 300 सब्सक्राइबर पूरा करा दो, हो गया कंप्लीट, अभी 320 है। लाइक करो, और अभी क्या करना है आपको, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही ब्लॉग मैं लेके आते रहूँगा, ट्राई करूँगा फिर नेक्स्ट मंथ। अभी तो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान तक तो कहीं नहीं जाऊँगा घूमने के लिए, रमज़ान के बाद देखते हैं फिर कहीं प्लान करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब के बटन पे थोड़ा हाथ मार दीजिए, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।